आइए चैप्टर 5 में एग्जांपल 8 सॉल्व करते हैं। पहले इस एग्जांपल को समझते हैं। एपी 1074 ऑन सो ऑन -62 का लास्ट से 11 टर्म निकालिए। हमें इस एपी में लास्ट से 11 टर्म की वैल्यू निकालनी है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में जो एपी दिया हुआ है, द गिवन एपी इज 1074 और लास्ट टर्म है -62। ए इज इक्वल टू 10। ए एपी का फर्स्ट टर्म होता है और यहाँ फर्स्ट टर्म 10 है, तो ए इज इक्वल टू 10। डी इज इक्वल टू, डी किसी भी दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस होता है, जैसे 7 और 4, तो डी इज इक्वल टू 4-7 इज इक्वल टू -3। लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करेंगे, एल इज इक्वल टू -62। वी नो दैट फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी और डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। हमें लास्ट से 11th टर्म निकालना है, तो हम ए एन की जगह लास्ट टर्म की वैल्यू पुट करेंगे। -62 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है प्लस एन माइनस वन इंटू -3। हम एन की वैल्यू पता लगा रहे हैं कि इसकी -62 इस एपी का कौन सा टर्म है, इसलिए हमने ए एन की जगह -62 लिया है। -62 इज इक्वल टू 10-3n+3, दैट इज -62 इज इक्वल टू 13-3n, दैट इज -3n इज इक्वल टू -62-13 इज इक्वल टू -75, दैट इज n इज इक्वल टू -75/-3। माइनस माइनस कैंसिल और 75 3 से 25 बार में डिवाइड होगा, तो n इज इक्वल टू 25। अब हमें ये पता चल चुका है कि -62 इस एपी का 25th टर्म है और हमें इस एपी में लास्ट से 11th टर्म की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने n की वैल्यू 25 निकाल ली है, इसका मतलब है देर आर 25 टर्म इन दिस एपी। द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट विल बी द 15th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। हमें लास्ट से 11th टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो लास्ट से 11th टर्म स्टार्टिंग से 15th टर्म होगा, क्योंकि एपी में टोटल 25 टर्म है। इसे हम इस तरह समझते हैं, दैट इज मान लीजिए किसी एपी में 5 टर्म है, वो टर्म है 1, 3, 4, 5। इस एपी में टोटल टर्म n इज इक्वल टू 5 है। अगर हमें इस एपी में लास्ट से 4th टर्म की वैल्यू चाहिए, तो लास्ट से 4 टर्म होगा 1st, 2nd, 3rd, 4th, यानी 2, जो कि स्टार्टिंग से 2nd टर्म है। इसी तरह अगर हमारे एपी में 25 टर्म है, तो लास्ट से 11th टर्म स्टार्टिंग से 14 टर्म तो नहीं होगा, लास्ट से 11th टर्म स्टार्टिंग से 15th टर्म होगा। Hence, A15 इज इक्वल टू A+15-1 × D। फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू A+n-1 × D। हेयर n इज इक्वल टू 15, तो A15 इज इक्वल टू A+14D, दैट इज A15 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने निकाली है स्टार्टिंग में 10 और d की वैल्यू -3, 10+14 × -3। A15 इज इक्वल टू 10-42 इज इक्वल टू -32। देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू 15th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इज इक्वल टू -32।